हेलो दोस्तों, सलाम अलैकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते। सो गाइस, आप लोग कैसा हो? और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे, अच्छा होंगे। सो गाइस, आज का वीडियो पे मैं बताने वाला हूँ सऊदी में कैसे आया था और क्या क्या गलत हुआ है मेरे साथ। आज का वीडियो पे मैं सिर्फ यही बताने वाला हूँ, और जो लोग नए नए सऊदी में आना चाहता है उन लोगों को बहुत ही हेल्पफुल होगा आज का जो वीडियो है। और जो लोग सऊदी, कुवैत, कतार, बहरीन जो लोग आना चाहते हैं उन लोगों के लिए बहुत खास होगा आज का वीडियो। तो मेरे वीडियो को कोई भी स्किप ना करना और मेरे वीडियो के आखिर तक देखते रहना। और जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उन लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया। जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए उन लोगों को कहना चाहता हूँ, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो के आखिर तक बने रहे। सो गाइस, सऊदी आने का मेरा कोई इरादा नहीं था, लेकिन मेरा जो छोटा भाई उनका इरादा था। उन्होंने एक दिन मेरे को कहा, भाई तुम सऊदी जाओगे? तो मैंने बोला हाँ। फिर उस टाइम अपने पास पैसा भी नहीं था गाइस। फिर क्या हुआ, मेरा जो अम्मी है, अम्मी का जो जेवर था वो सब कुछ बैंक में डाला, बैंक में डाल के फिर पैसा इकट्ठा किया गाइस, ठीक है। आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन कोई भी स्किप नहीं करना। ये आप लोगों के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि ये वीडियो जानना बहुत ही जरूरी है। आना चाहता है जो लोग सऊदी आता है, ठीक है, कोई भी अपना जमीन बेचता है, कोई अपना जेवर बेच देता है, ठीक है, उसके बाद आता है। आज सब गरीब का बच्चा आता है गाइस, ठीक है। फिर इधर आने के बाद भी बहुत ही प्रॉब्लम पड़ जाता है बहुत सारे लोग, ठीक है। तो इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो मेरे वीडियो को कोई भी स्किप नहीं करना और मेरे वीडियो को इतना से इतना शेयर करना ताकि सबको पता चले गाइस, ठीक है। सो गाइस, मेरा छोटा भाई एक दिन कहा, भाई तुम सऊदी जाओगे? मैं बोला हाँ। और मेरा अम्मी का जो जेवर वेवर था सब कुछ बोले तो बैंक में डाल के पैसा इकट्ठा किया, फिर एक आदमी को दिया पैसा, जो एजेंट रहता है उनको दिया, फिर उन्होंने चीट कर दिया, ठीक है गाइस। तो उन्होंने चीट करने के बाद फिर मेरा उम्मीदें टूट गया। फिर बाद में मैं बोला नहीं जाएंगे। फिर 2-3 महीने के बाद मेरा छोटा भाई और एक आदमी से कांटेक्ट किया, फिर वो आदमी बहुत ही अच्छा था, अल्लाह का बंदा था। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने हाँ कर दिया, तो उनसे ही मैं आया, ठीक है। तो जैसे मेरा मेडिकल टेस्ट हुआ, हर चीज़ का टेस्ट हुआ, फिर सब कुछ कंप्लीट हो गया, फिर उन्होंने एक दिन अचानक बुला लिया मुंबई पे। मुंबई गया, फिर मुंबई में 2 महीना बैठा था, फिर बोले तो मैं बोरिंग हो जा रहा था, मालूम है। फिर उसके बाद उधर ट्रेनिंग होता है, उधर एक लड़का है वो ट्रेनिंग लेता है, लेकिन हर दिन का 500 रियाल करके, 500 रुपया, सॉरी अपने को रियाल बोल के आदत हो गया, तो थोड़ा मिस्टेक हो रहा है, मुश्किल नहीं। तो 500 रुपया हर दिन का लेता है, सिर्फ 10-15 मिनट ट्रेनिंग कराएगा, 500 रुपया देना पड़ेगा, लेकिन 15 दिन 20 दिन उधर ही ट्रेनिंग करना पड़ेगा, 15-20 दिन पूरा 10,000 रुपया मेरे को देना पड़ा उधर। फिर उधर से जब फ्लाइट में बैठा है गाइस, फ्लाइट में बैठने के बाद उधर तो इतना तकलीफ झेलना पड़ा, फिर जब फ्लाइट में बैठा, फ्लाइट में बैठने के बाद उसके बाद जब रियाद में पहुंचा हूँ, रियाद एयरपोर्ट में, फिर इधर सुबह पहुंचा हूँ, और जो कंपनी में हम लोग आए थे उस कंपनी में कॉल किया, लेकिन कोई भी फ़ोन रिस्पांस नहीं दे रहा है, कॉल जा रहा है लेकिन कोई भी नहीं उठा रहा था। फिर दूसरा एक आदमी से, सऊदी जो आदमी था, एक सऊदी आदमी के पास से कॉल किया, और कॉल करने के बाद उन्होंने रिसीव किया, फिर बाद में बोला आ रहा करके। सुबह से लेकर शाम को 7 बज गया था आते आते, और उस टाइम अपने पास कोई कमा नहीं था, कुछ भी नहीं था, अपना फ़ोन में नेटवर्क भी नहीं था, कुछ भी नहीं है, ठीक है। और एयरपोर्ट का जो वाईफाई रहता, तो एयरपोर्ट का वाईफाई कनेक्ट भी अपने को करने नहीं आता था उस टाइम, ठीक है गाइस। बहुत सारे लोगों को आता है, बहुत सारे लोगों को नहीं आता है, ठीक है। और उधर कोई एयरपोर्ट का अंदर खाने का सामान भी नहीं है, ठीक है, कोई खाने का फूड वगैरह कुछ भी नहीं है। और हम लोग बाहर भी नहीं निकल सकते, क्योंकि अपने पास इकमा नहीं है, बाहर निकलेंगे तो पुलिस ने पकड़ लेगा, तो अपने को नहीं छोड़ेगा। फिर 7 बजे आया, फिर उन्होंने पिकअप किया अपने को, और जैसे गाड़ी पे बैठा तो जा रहा था गाइस, फिर देख रहा था रेगिस्तान, पूरा रेगिस्तान रेगिस्तान है, ठीक है गाइस। उसके बाद अब हम लोग सोच रहा था पता नहीं किस जगह पे आ गया, और बहुत ही टेंशन हो रहा था, घर का याद भी इतना आ रहा था, जाते जाते इतना आ रहा था, बोले तो जाते जाते इतना याद आ रहा था, सही में पूरा रोना आ रहा था। फिर जैसे कंपनी में पहुंचा, हम लोग सोच रहा था उधर जाके हम लोग पहले थोड़ा खाएंगे, लेकिन उधर भी खाना नहीं है, उधर भी खाना खत्म कर दिया, बहुत सारे लोग है उधर। हम लोग पूरा भूखा सोए रात भर, पूरा दिन भर, रात भर पूरा 2 दिन तक पूरा भूखा था हम लोग। और बहुत सारे लोग उधर रो रहा था, क्योंकि बहुत सारे लोग उधर भी ट्रेनिंग होता है गाइस, ठीक है, ड्राइविंग का ट्रेनिंग होता है, तो बहुत सारे लोग रो रहा था, बहुत सारे लोग बोले तो अपच भेज रहा था बहुत सारे लोगों को। और वही देख के अपने को भी रोना आ गया, मैं भी पूरा रो दिया था, और घर का इतना याद आ रहा था, क्या बताओ, सेम है गाइस। उस टाइम बोले तो अपने अंदर से बोले तो अलग सा फील आ रहा था, ठीक है गाइस। फिर अपने को इधर ट्रेनिंग हुआ 2 महीना सऊदी में, फिर से ट्रेनिंग हुआ, और ट्रेनिंग होने के बाद इधर भी मेडिकल टेस्ट होता है,
फिर सब कुछ पास कर गया, उसके बाद अपने को ट्रांसफर हुआ मदीना में गए। फिर मदीना में जब ट्रांसफर हुआ, बहुत अच्छा जगह था और हर दिन हम लोग उधर जाते थे मस्जिद हराम में, ठीक है गाइस। उसके बाद वो जो कफिल था, कफिल अच्छा नहीं था, बहुत ही गिर करता था गाइस, बहुत ही अपने को चिल्लाता था। फिर उसके बाद उधर से अपने को ट्रांसफर हुआ दूसरे साइड, फिर दूसरे साइड होने के बाद वो भी सही नहीं था, वो एक लेडीज था रियाद में। फिर इतना सताता था क्या बताऊं, मैं तो ड्यूटी सुबह से लेकर पूरा रात 12 बजे तक, 1 बजे तक, 2 बजे तक इतना ड्यूटी करता था, ठीक है गाइस। और अपना कंपनी का रूल्स है 8 घंटा ड्यूटी करना, लेकिन बाद में कंपनी भी, जब हम लोग कंपनी में कंप्लेन करते हैं ना, तो कंपनी बोलते हैं नहीं ड्यूटी करना पड़ेगा, 8 घंटा नहीं हुआ तुम्हारा, ठीक है, ऐसा करता था। सो गाइस उसके बाद ऐसा करते गया, करते गया, बोले तो 2 महीना 3 महीना करते गया। फिर बाद में मैंने बोला काम नहीं करेंगे यार, अपने को अरबी भी नहीं आता, कुछ भी नहीं आता, हम लोग खाएंगे तो क्या बोलेंगे, जो हम लोग जैसे इंडिया में बोलते हैं हाँ मेरे को भूख लगे मेरे को खाना दो, लेकिन इधर क्या बोलेंगे अरबी में, अरबी तो अपना पता भी नहीं था, इंग्लिश भी उतना बोले तो ये नहीं था मेरा, ठीक है, मैं पूरा नॉर्मल हूँ इंग्लिश में, ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ मैं, 9वीं तक पढ़ाई किया हूँ, ठीक है। फिर बाद में क्या हुआ, फिर बाद में धीरे धीरे सीखते गया लैंग्वेज, इंग्लिश मालूम आता था, बोले तो इंग्लिश मेरे को थोड़ा बहुत मालूम था लेकिन बोलने को नहीं आता था, ठीक है। फिर उन लोग बोले तो जैसे उन लोग अरबी पे बात करते थे लेकिन अपने को मालूम नहीं था अरबी, ठीक है। उस टाइम बहुत ही सेम है, कभी कभी इतना डांटता था अपने को, और मेरा कोई गलती नहीं होता, अपने को कोई गलती नहीं होता, लेकिन फिर भी डांट देता वो लोग, सेम है, पता नहीं इन लोग किस किस्म का माइंड लेके घूमता है। सो गाइस बहुत सारे जो ड्राइवर है घर पे आके काम करता है या कंपनी में आके काम करते हैं, उन लोगों को बहुत सताता है ये लोग, ठीक है गाइस। तो मेरे साथ क्या हुआ, उस टाइम उन्होंने एक दिन बटल फेंक के मारा, वो गाड़ी पे बोले तो पीछे बैठा था, फिर बटल फेंक के मारा सामने, मेरे ऊपर नहीं फेंका। फिर उस टाइम अपना अंदर से ऐसा फीलिंग आ रहा था, सही में पूरा रो रहा था मैं, लेकिन सामने आ रहा लेकिन घुट घुट के रो रहा हूँ, अंदर से पूरा मारे जा रहा था मैं सही में। मेरा वीडियो शायद थोड़ा लंबा हो रहा है, लेकिन कोई भी स्किप नहीं करना, मेरे वीडियो के लास्ट तक देखना गाइस, ठीक है, ताकि सबको पता चल जाए। फिर उसके बाद क्या हुआ, मैंने कंपनी में रिटर्न आया, लेकिन कंपनी में रिटर्न आने के बाद इतना सारा लोग है उधर, हमाम भी सही नहीं, जो हमाम बोलते हैं बाथरूम भी सही नहीं है, खाने का कोई भी चीज़ सही नहीं है, ठीक है गाइस। फिर बाद में ऐसा करते करते फिर अपना बीमारी पड़ गया मैं, इतना हालात ख़राब हो गया था मेरा पूरा, बहुत सारे लोग बीमार पड़ रहे, बहुत सारे लोग एडमिट है हॉस्पिटल में, ठीक है, अपने पास उतना भी पैसा भी नहीं था। फिर क्या हुआ, उधर से अचानक ट्रांसफर हो गया मेरा बोले तो दूसरे साइड में, और अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है, उस टाइम जो कपिल मिला था बहुत ही अच्छा था, सही में मैं तो ज़िंदगी भर नहीं भूलेंगे। और उधर जैसे गया तो उधर वो कपिल मेरा बात नहीं समझता था उतना ही, लेकिन मैं हिंदी से बोले तो मेरे को अब हिंदी आता है, ठीक है, मेरे को हिंदी आता तो बस मैं हिंदी बोलता था, और इंग्लिश थोड़ा बहुत आता था तो बस मुंडी हिलाता था, हाँ हाँ कहता था, लेकिन मालूम नहीं होता फिर भी मैं हाँ हाँ कहता था, लेकिन सही में हंसी आ रहा है, लेकिन ऐसा ऐसा हुआ है मेरे साथ, ठीक है। फिर बाद में उधर 3 महीने के लिए लेके गया उन्होंने, फिर बाद में क्या हुआ, 3 महीना 4 महीना 5 महीना पूरा 1 साल 1.5 साल गुजर गया, और वो कपिल इतना अच्छा था क्या बताऊँ, सही में जिंदगी को नहीं भूलेंगे। और बोले तो वो लोग कोई भी चीज़ खाता था तो मेरे लिए भी अलग से खरीद के वही देता था सामान, और सिर्फ मेरे को बोलता था कोई भी चीज़ चाहिए होगा तो मेरे को बोलना, कोई भी चीज़, कपड़ा बोलो या शैम्पू सामान जो भी लगता है अपना, बोले तो लड़के को क्या क्या लगता है अपना वो सबको पता होगा, जो भी लगता है सब कुछ उन्होंने बोला मांगने को, लेकिन अपने को शर्म आता है मांगने, लेकिन शर्म और कुछ नहीं करना, बाहर आए कमाने तो शर्म नहीं करना चाहिए, और उस टाइम में थोड़ा ये था तो इसलिए। फिर उधर जब कोरोना आया उसके बाद 2 साल 1.5 साल हो गया, तो 1.5 साल होने के बाद फिर कोरोना आ गया, कोरोना हुआ तो फिर उन्होंने मेरे को छोड़ दिए, फिर कंपनी में आ गया, फिर वही एक ही प्रॉब्लम है, ठीक है। तो गाइस बहुत ही प्रॉब्लम झेला हूँ मैं, और जो लोग नए नए आना चाहता है उन लोगों को कहना चाहता हूँ, प्लीज़ तुम लोग अगर आओगे तो पूरा पहले उधर से कन्फर्म करके आना सऊदी में, ठीक है, नहीं तो मेरे जैसा हालात बहुत ही गंभीर हालात हो सकता है, ठीक है, और बहुत ही खराब खराब लोग मिल सकता है इधर, क्योंकि सऊदी में हर कोई आदमी सही नहीं है, ठीक है। जैसे बहुत सारे लोग सोचता है अरे सऊदी में बहुत सारे पैसा है, उधर जाता है पैसा कमाने, बहुत पैसा है उधर, सिर्फ जाएंगे पैसा कमाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है गाइस, ठीक है। इधर आने के बाद बहुत ही प्रॉब्लम उठाना पड़ता है, बहुत ही प्रॉब्लम झेलना पड़ता है, उसके बाद पैसा कमाते हैं गाइस,
फिर भी पैसा कमाने के बाद जैसे महीना आता है, महीना खत्म होने के बाद पूरा महीने का सैलरी पूरा अपने बैंक अकाउंट पे भेजना पड़ता है, अपने घर पे भेजना पड़ता है, अपने घर पे माँ भाई बहन सब कुछ है। तो जैसे हम लोग कमाते हैं अपने पास एक भी रुपया नहीं रहता गाइस, ठीक है, सब कुछ भेजना पड़ता है। सो गाइस, तो मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ जो लोग सऊदी, कुवैत, बहराइन, दुबई आना चाहता है, तो जो भी एजेंट रहेगा आपका वो एजेंट से पूरा अच्छे से बात कर ले और अच्छे से जानकारी लेके आए, ठीक है। और क्योंकि सऊदी में बोलो या कुवैत में बोलो, इधर कपिल हर कोई सही नहीं है, बहुत अच्छा भी है बहुत खराब भी है। अगर तुम्हारा नसीब अगर तुमसे साथ दिया ना तो तुम्हारा नसीब खुल जाएगा, क्योंकि सऊदी में हर कोई अच्छा नहीं है, सऊदी है बोल के सब अच्छा है ऐसा नहीं है, ठीक है। तो जो लोग सऊदी में हैं उन लोग समझ सकते हैं, उन लोग को सब मालूम है, जो लोग नया नया आना चाहता है सिर्फ उन लोगों के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ मैं। और मेरे वीडियो को इतना से इतना शेयर करो ताकि जो नए नए जो लोग आना चाहता है उन लोगों को सबको पता चल जाए, ठीक है भाई। तो तुम लोग जब आओगे उधर से आने का टाइम में अच्छे से कंफर्म करो, पता करो कैसा है क्या नहीं है, एक बार से दो बार पता करो, तीन बार चार बार पता करो, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो अच्छे से जानकारी लेकर फिर उसके बाद आए इधर, क्योंकि इधर आने के बाद बहुत सारे लोग बकरी भी चराता है, बहुत सारे लोग सिर्फ क्लीनिंग करता है, धुलाई करता है, ऐसा करता है गाइस, ठीक है। लेकिन ऐसे नहीं करना, जो काम तुमको मालूम है उधर से, जो काम तुमको मालूम रहेगा वही काम पे आना है और वही काम करना है, यही बस यही करना है तुमको, ठीक है। और सैलरी वगैरह उधर से सब कुछ सेटिंग करके आना है, ठीक है गाइस। क्योंकि उधर से अच्छे से बोल के नहीं आओगे ना, उधर से पूरा फिक्स करके नहीं आओगे तो तुमको ही प्रॉब्लम होगा इधर आने के बाद, ठीक है। इधर आने के बाद कोई नहीं सुनेगा, जब इधर आ जाओगे ना तो तुम्हारा नहीं चलेगा, सिर्फ सऊदी का मर्जी से तुमको चलना पड़ेगा, ये याद रखना, ठीक है। तुमको सऊदी का हिसाब से ही चलना पड़ेगा, क्योंकि जैसे कि तुम्हारा तबीयत खराब है, तबीयत खराब होने के बाद भी इधर काम करना पड़ता है गाइस, ठीक है। इधर कोई छुट्टी नहीं मिलता है, छुट्टी मिलता है हफ्ता में एक दिन, लेकिन सबको नहीं मिलता है, किसी किसी को मिलता है, किसी किसी को नहीं, ठीक है। तो ऐसा सिस्टम है गाइस, ठीक है। तो जो लोग मेरे जो भाई लोग आना चाहता है तो अच्छे से जानकारी लेके आए, और इधर आने के बाद सिर्फ काम ही करना होगा, सिर्फ यही समझ के आना है, इधर आने के बाद तुमको पूरा काम ही करना है, तुम्हारा तबीयत खराब हो या ना हो, ठीक है। ये सऊदी का नियम है या क्या है मेरे को पता नहीं, लेकिन ऐसा ही है। सो गाइस, तो आज का वीडियो बहुत ही लंबा हो गया, ठीक है, और ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता हूँ। तो आज का वीडियो यही तक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और फिर मिलते रहेंगे ऐसे ऐसे वीडियो पे। और सो गाइस, आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं।